कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब मनी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहां से हो गया और ईडी का केस कैसे बना। बयान देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ईडी अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, हिम्मत है तो बताएं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया और ईडी का केस कैसे बना, और मैं ईडी का अधिकारियों से जानना चाहता हूँ। अपने घर में जाएं, अपने बीवी बच्चों से आंख से आंख मिला के बात करो, बताओ कि तुमने क्या कार्रवाई की है, हिम्मत तो बताए। आज आपने शपथ ली है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और उसके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जाँच क्यों नहीं करते। नांदेड़ एफआईआर इनके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते।